सुप्रभात सभी को, नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। आज फ्राइडे का दिन, हमारी वीकली एफिशिएंसी क्लास, और आज हमारे साथ हमारी दो युवा साधिकाएं सिमरन और जिज्ञा। तो दोनों के साथ आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे ताने। इस प्रयास में घुटने बिल्कुल ना उठने दें, करेंगे जी। फिर अपनी ओर खींचेंगे, खींचिए अपनी ओर अंदर की साइड, फिर बाहर की ओर, फिर अंदर की ओर, फिर बाहर की ओर, और इसी प्रकार क्षमता अनुसार आगे पीछे करते जाएं। मुस्कुराते हुए करें, रीढ़ गर्दन को यथासंभव सीधा रखें। आप सभी को छोटी दिवाली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। करते जाएं जी, गोलाकार घुमाएंगे अब दोनों पंजे एक साथ। गति कम हो, घेरा बड़े से बड़ा हो, दूसरी साइड से भी करेंगे। पुनः ध्यान रहे, गति कम हो, घेरा बड़ा हो, घुटने दबे हुए हों। मुस्कान लगातार चेहरे पर, बहुत बढ़िया से आपके पांव की मांसपेशियों में खिंचाव आता हुआ। धीरे धीरे आएंगे वापस, श्वास को हल्का सामान्य करें। दोनों पांव को एक फीट खोलें, दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर छुएं, छोटी उंगली बाहर की ओर आसन पर छुएं। कोशिश बहुत ज़रूरी है जी। जैसे ही आपके अंगूठे लगते हैं, आप महसूस कर पाते हैं कितनी बढ़िया स्थिति बनती है मेरे पांव की, जो ये कर बनता है बहुत बढ़िया से सारी मांसपेशियों को फ्लेक्सिबल बनाता है। धीरे धीरे करते जाइए, करते जाइए। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे आएंगे वापस, पांव को मिलाकर एक बार राइट पांव अंदर, एक बार लेफ्ट पांव अंदर करिए। हर बार कोशिश करेंगे पांव की एड़ी आपके हिप्स को छुए। हाथ का सहारा लें, इस क्रिया को करते हुए करते जाइए जी। अब दोनों पांव से एक साथ करेंगे, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। वापिस आ जाएं, दोनों हाथ क्लैंप करें, चक्की चलाएंगे, आगे से आगे गोल गोल घुमाइए अपने कटी भाग को, घुमाएंगे जी। पीछे से पीछे जाएंगे, करें जी, करें। पांव को मिलाकर करें, कोशिश करें। बहुत बढ़िया, दोनों की एक साथ सिमेट्री बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें कोशिश करनी है कि मेरी जो कलाइयां हैं वो मेरे पांव के पंजे से आगे की ओर जाएं, कोशिश करें। इसके लिए कमर को झुकाएं, पेट को अंदर की ओर संकोचित करते हुए, वेरी गुड। अब इसी प्रकार 5 से 7 आवृत्तियां रिवर्स साइड करेंगे, विपरीत दिशा में। बहुत बढ़िया, दोनों साइड से क्रियाएं की जाती हैं, समान वक्त दिया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए कंधे भी प्रभाव में आ रहे हैं, पूरा शरीर देखिए मूवमेंट में आ रहा है। धीरे धीरे आवृत्तियों को पूरा करते हुए
आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास, अब बैलेंस बनाएंगे थोड़ा इस प्रकार से, दोनों पांव सामने हैं, फिर से हाथों को क्लैंप करें और अपने हिप्स के ऊपर पूरे शरीर का वजन, आगे से पांव भी उठा दें और हाथ भी उठा दें। वेरी गुड बेटा, पंजों को तान दे बाहर की ओर, बहुत बढ़िया। रुकिए कुछ सेकंड के लिए, रुकिए 15 से 20 सेकंड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पंजों को तान कर, घुटनों को सीधा रखकर धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। उन्हें हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास, रिलैक्स। बटरफ्लाई करेंगे, दोनों एड़ियां शरीर के निकट लेकर आइए और दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करके दोनों घुटने ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। करेंगे जी, कमर को, गर्दन को सीधा रखकर करेंगे क्रिया को, मुस्कुराते हुए करेंगे, तितली की भांति महसूस करें जैसे मस्ती के साथ हम फ्लाई कर रहे हों। जब भी हम तितली को देखते हैं मन खुश हो जाता है, इसी प्रकार आप भी महसूस कीजिए। बहुत बढ़िया क्रिया है, बस एक बात का ध्यान रखिए, एड़ियां शरीर के निकट से निकट रहे, प्रयास करती हैं एड़ियां आगे की ओर जाने का, लेकिन आपने अपने हाथों से, हथेलियों से उनको खींच के रखना है अंदर की ओर। एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है, आप अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुस्कुराते रहें, रीढ़ लगातार सीधी रखकर करने वाली क्रिया, बहुत बढ़िया। करते जाइए जी, करते जाइए मुस्कुराकर। फेस्टिवल सीजन चल रहा है और सुंदर साधना अगर हम सुबह सवेरे करेंगे पूरा दिन नहीं थकेंगे। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पुनः हाथ विश्राम की स्थिति में, पंजे दाएं बाएं लुढ़क जाएं, रिलैक्स बिल्कुल। पद्मासन, एड़ी पंजे पुनः एक बार मिलाएं, अपने पांव को, राइट पांव को पहले मोड़िए नाभि के निकट, लेफ्ट साइड में रखें, फिर लेफ्ट पांव को मोड़िए नाभि के निकट, राइट साइड में रखिए। बहुत बढ़िया, दोनों साधिकाओं का पद्मासन लग गया। देखिए कितनी बढ़िया साधना, दोनों हाथ अब ज्ञान मुद्रा में ले लें, कोमलता से आंखें बंद कर लें, सहज भाव से मुस्कुराते हुए गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। अपने श्वासों पर कंसंट्रेट करेंगे, ये श्वास ही तो हमारी प्राण शक्ति है, यही मेरा और ईश्वर के प्रति कनेक्शन है। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति करें। जैसे ही हमारा ध्यान, हमारा फोकस श्वासों पर जाता है, मन हमारा धीरे धीरे शांत होने लगता है, एकाग्र होने लगता है। अपने भाग्य को सराहिए, सुबह सवेरे हम अमृत वेला में सुंदर सामूहिक योग साधना कर रहे हैं। प्रभु की कृपा से जीवन पर्यंत यूं ही हमारी साधना चले। मन में संकल्प करेंगे अगला एक घंटा पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखते हुए अपनी साधना करेंगे। आइए 3 बार ओम ध्वनि करें, 1 बार गायत्री मंत्र करें। सभी का साथ चाहिए, पूरे परिवार के साथ मिलकर बोलिए। गहरा श्वास भरिए पहले,
पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए अपना पद्मासन खोल लीजिए, थोड़ा सा विश्राम दीजिए अपने पाँव को, हाथों को, रिलैक्स। अभी आप विश्राम कर लें अच्छे से। आज हमारी एफिशिएंसी क्लास है, फ्राइडे का दिन है। आजकल हम पिछले 4-5 वीक से लगातार आसन करते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार हम करते हैं, 12 स्थितियां होती हैं, लगातार करते हैं। जनरली हम 10 से 12 मिनट एक सूर्य नमस्कार में लगाते हैं, तो आज जो है आसन हम लगातार करेंगे, अगले 40 मिनट तक करेंगे, बीच में आपको विश्राम नहीं दिया जाएगा। लेकिन आसनों को इस प्रकार से करवाया जाएगा, इस प्रकार से गूंथा जाएगा कि आसनों के दौरान ही आपको विश्राम की अनुभूति होगी। फिर भी कुछ साधक जो नए हैं, बुजुर्ग हैं, किसी भी कारण से उनको मुश्किल लगे, आप वापिस आ सकते हैं, विश्राम ले सकते हैं, पुनः आप शामिल हो सकते हैं। तो पूरा अपना ध्यान रखेंगे, लेकिन प्रयास जरूर करेंगे। जो लगातार जुड़े हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है वो कर पाएंगे। और हमारी साधिकाओं को आप देख लीजिए, जब भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आए। तो आइए शुरुआत करते हैं एफिशिएंसी क्लास की। मन बनाएं पूरे उत्साह के साथ। सर्वप्रथम पहला आसन करेंगे कौन आसन, एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ कमर के पीछे इस प्रकार रखें कि पांचों उंगलियां मिल जाएं, हथेलियों पर, एड़ियों पर पूरे शरीर का वजन डालेंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने शरीर को मध्य से ऊपर उठाना प्रारंभ करें। बिल्कुल आराम आराम से उठाइए जी। पूर्ण स्थिति में पंजे आसन पर लगाने की कोशिश करें और यहाँ पर अब बिना हिले डुले सहज भाव से रुक जाएं, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। बहुत बढ़िया बेटा, दोनों की इतनी सुंदर स्थिति, पूर्ण स्थिति में ईश्वर का ध्यान करना कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से ही तो हम रुक पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। सर्वाइकल ठीक, पिंडलियों के दोष समाप्त, क्रैम्प की प्रॉब्लम दूर, कंधों में मजबूती। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सिमरन है हमारे साथ, जिज्ञा है हमारे साथ। धीरे धीरे आएंगे वापिस, आराम आराम से वापिस आएंगे। चलिए जी, अब हम त्रिकोण आसन भी करते हैं, जानू सिर आसन भी। दोनों आसन एक ही आसन में मिल जाएगा। अपने लेफ्ट पांव को बाहर की ओर लेकर जाएं, जितना लेकर जा सकते हैं। लेफ्ट पांव को बाहर की ओर लेकर जाएं और राइट पांव को जंगा मूल से लगा दें। अब इसमें हमारा त्रिकोण आसन भी होगा और हमारा जानुसिर आसन भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, दोनों की स्थिति बहुत बढ़िया है। अब अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट पांव के ऊपर रख लें, घुटने के निकट। अब राइट हैंड को साइड से तानते हुए लेकर जाएंगे आकाश की ओर। भुजा को लंबाई देंगे, खींचेंगे एक बार, पांव को जितना हो सकता है बाहर की ओर करें, जो पांव सीधा है उसका। और अब उसके बाद श्वास छोड़ते हुए बगल से अपने साइड में झुकेंगे, लेफ्ट साइड में, और कोशिश करेंगे कि आप साइड में ही झुकें, लेफ्ट पांव आपका सीधा रहे। ये त्रिकोण आसन की भी स्थिति बन गई। जानुसिर आसन में हम आगे की ओर झुकते हैं, इसमें हम साइड में झुक रहे हैं,
लेकिन हमारा राइट पांव की जो एड़ी है बाईं जंघा मूल के निकट है, भुजा कान के साथ रहेगी जी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, फायदा रुकने से ही होगा। लेफ्ट हैंड को भी सीधा करके पंजे के निकट लेकर जाएं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, भुजा को खींचे ऊपर से ऊपर और तानते हुए भुजा को साइड से नीचे लेके आएंगे। पांव को सीधा कर दें। दूसरी ओर से राइट पांव को अपने साइड में जितना हो सके खोलिए। लेफ्ट पांव को मोड़कर एड़ी को जंघा मूल से लगाइए। लेफ्ट राइट हैंड पांव के ऊपर, लेफ्ट हैंड बगल से लेकर जाएं आकाश की ओर, भुजा कान के निकट। कलाई सीधी रखें जी। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से अपने राइट साइड में झुकिए, बगल से झुकिए। राइट हैंड को भी पंजे के निकट लेकर जाएं। वेरी गुड। अब यहां पर जो असर आना चाहिए वो आपके बगल में आना चाहिए। जैसे हम खड़े होकर त्रिकोण आसन करते हैं वो असर आना चाहिए, लेकिन जो पांव की स्थिति है वो देखिए जानु सिरासन की भी स्थिति बनी हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दोनों का। कितनी सुंदर स्थिति दोनों साधिकाओं की। सहज भाव से रुकें, आंख बंद करके रुकें, मुस्कुराते हुए रुकें। कलाई नहीं मोड़ेगी जी। बहुत बढ़िया सिमरन बेटी, जिज्ञा बहुत अच्छा। धीरे धीरे आएंगे वापस, भुजा को ऊपर खींचिए पहले और तानते हुए भुजा को बगल से वापस लेकर आएंगे। पांव को सीधा करें। गोमुखासन, दोनों पांव मिलाएं, राइट पांव को मोड़कर एड़ी के ऊपर बैठ जाए। राइट पांव को लेफ्ट पांव के नीचे से लाकर एड़ी के ऊपर बैठ जाएं। लेफ्ट पांव को पांव के ऊपर, राइट पांव के ऊपर से लाकर बगल में लिटा दें। अब लेफ्ट हैंड कंधे के ऊपर से जाएगा, क्योंकि लेफ्ट पांव हमारा ऊपर है, तो लेफ्ट हैंड कंधे के ऊपर से, राइट हैंड पेट के बगल से जाएगा पीछे। और फिर उसके बाद दोनों हाथ आपस में छूने का प्रयास करें। जो साधक साधिकाएं क्लैंप कर सकें हाथों को, उस प्रकार से क्लैंप करने का प्रयास करें। गर्दन को सीधा रखें, कोहनी आकाश की ओर रखें। मुस्कुराते हुए सहज भाव से रुक जाएं। अब देखिए, हमने दो आसन पहले जो किए उसमें आपको जो थकान हुई, ये आसन इस प्रकार से है कि आपको विश्राम की भी अनुभूति होगी, आसन का लाभ भी मिलेगा। इसमें हम बहुत ज़्यादा देखिए खिंचाव नहीं है, बहुत ज़्यादा हम कोई हिलडुल नहीं रहे। सहज भाव से बैठकर ऐसा मन में भाव लेकर आए कि हम सामान्य हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। जितनी खुशी के साथ करेंगे, प्रसन्नता के साथ करेंगे, उतना अधिक आनंद, उतना अधिक लाभ। फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए बहुत सुंदर गोमुखासन है। हृदय के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव आता है। कोशिश कीजिए कोहनी का रुख आकाश की ओर हो, कोशिश करनी है जी। रीढ़ गर्दन सीधी हो, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास हो, लेकिन श्वास की आवाज ना आए। जो चाहते हैं कि हमारा शरीर सुडोल हो, उनको इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से वापस आएंगे और उसके बाद स्थिति लेंगे दूसरी साइड से। आज हम आपको बिना आराम दिए, जैसे सूर्य नमस्कार लगातार 12 स्थितियां होती है, इसी प्रकार हम आसन करा रहे हैं जी आपको। राइट पांव ऊपर से आएगा आपकी बार, राइट हैंड कंधे के ऊपर से, लेफ्ट हैंड बगल से। समझ में ना आए जरूर देखना चाहिए, गलत करने से अच्छा है पहले हम समझें फिर उसके बाद अपनी स्थिति करें। दोनों हमारी साधिकाओं के चेहरे पर मुस्कान है। हर आसन
बहुत ही तन्मयता के साथ बहुत बढ़िया से प्रदर्शन दिया जा रहा है। कोशिश कीजिए आप भी अपने पीछे हाथों को छूने का प्रयास करें, आप भी कोशिश कीजिए जी, रीढ़ गर्दन लगातार सीधी रहे। कोशिश कीजिए आप भी गहरे लंबे श्वास हो पाए। फेफड़े हमारे एक्सपेंड हो रहे हैं, कंधा हमारा फ्लेक्सिबल बन रहा है, कब्ज की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है इस आसन के अभ्यास से। लचीलापन पूरे शरीर के अंदर, विश्राम की अनुभूति करें मुस्कुराते हुए आंख बंद करके। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पांव को सीधा कर लेंगे, बैलेंस बनाएंगे जी, दोनों पांव मोड़कर उकड़ू बैठ जाएं, पंजों के ऊपर बैठ जाएं, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें, एड़ियों को ऊपर उठा दें और सामने किसी चीज पर फोकस कर लें। आंख बंद करके अथवा आंख खोलकर अपनी सुविधा के हिसाब से बैठ जाएं। बहुत बढ़िया, देखने में बिल्कुल साधारण सी क्रिया है लेकिन इसके अभ्यास से फोकस बनता है, कंसंट्रेशन बनती है, पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत बढ़िया हो जाता है क्योंकि पूरे शरीर का वजन आपके पांव की अंगूठे और उंगलियों पर आया हुआ है। रीढ़ गर्दन लगातार सीधी रखने का प्रयास करें जितना संभव हो सके। बहुत बढ़िया बेटा, मुस्कुराते हुए आसन के ऊपर खड़े जाएं बिना सहारा लिए, दोनों हाथ नीचे, ताड़ासन, एड़ी पंजे मिला लें जी, दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके सर के ऊपर रखें, हथेली आकाश की ओर, और श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर, एक बार फिर से एड़ियां उठा दें। अपनी क्षमता के हिसाब से रुकना है जी, आज हम आपको विश्राम भी नहीं दे रहे इसलिए पूरा ध्यान रखना है आपने। बहुत बढ़िया बेटा, कितना अच्छा, आपके सामने हमारी साधिकाएं डेमो देकर दिखा रही हैं। आँख खोल कर कर सकते हैं इस आसन को, सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करके लगातार कोशिश करें कि एड़ियां हवा में रहें। शरीर की 206 हड्डियां, 72,000 मांसपेशियां प्रभाव में आती हैं। रुकना है जी, फायदा रुकने से ही होना है। धीरे धीरे आएंगे वापस, साइड से दोनों भुजाओं को तानते हुए लेकर आए नीचे। रिलैक्स, हल्का सा थोड़ा अपने पांव को, कोशिश कीजिए घुटने मोड़िए और फिर उसके बाद उंगलियों को भी चलाइए। आज रुकना नहीं है जी, हमने लगातार करने हैं जी आसन। कोशिश कीजिए हर बार एड़ी आपके हिप्स को छुए। वेरी गुड वेरी गुड, करते जाइए करते जाइए। चलिए जी वापिस आ जाएं, हाफ बेंडिंग करेंगे जी, दोनों हाथ कंधे की सीध में, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, दोनों पांव में कंधों के समान फासला, गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को मोड़िए, कलाई सीधी रखेंगे, लटकने नहीं देंगे भुजा को, गर्दन कमर भी सीधी रखेंगे। रुकिए रुकिए रुकिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें और घुटनों को खोलिए बंद करिए।
करिए जी, करिए करिए करिए। अब घुटनों को गोल गोल घुमाइए धीरे धीरे, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर। खड़े होने के हम आसन भी करा रहे हैं, सूक्ष्म क्रियाएं भी करा रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही है, करते जाइए जी। विपरीत दिशा से करेंगे, पुनः आ जाएंगे वापिस। अगला आसन कटी चक्र आसन, दोनों पांव में कंधों के समान दूरी, दोनों हाथ सामने ले लें। अब की बार हथेलियां आमने सामने आएंगी, पांच उंगलियां मिली रहेगी, इसमें आपने पंजों को नहीं हिलने देना जी। अब जैसे पंजे आपके रखे हुए हैं, जरा सी भी मूवमेंट ना हो, श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं गर्दन सहित राइट साइड में ले चलें, बाई हथेली दाएं कंधे को छुए, कलाई को ना मुड़ने दें। बहुत बढ़िया, तानते हुए भुजा को लेकर आएंगे सामने दोनों भुजाओं को, और अब ले चलें लेफ्ट साइड में। हाथ लटकने नहीं चाहिए जी, हाथ नहीं लटकेगा, कलाई सीधी रहेगी, कंधे का प्रेशर बनाना है आपने, मरोड़ना है शरीर को। सामने लेकर आए राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। सामने लेकर आए दोनों भुजाएं तानते हुए नीचे। अब ये जो आसन किया इसमें आपको विश्राम भी मिला, बहुत मुश्किल आसन नहीं था ये। एक बार फिर से अपने हाथों को पांव को थोड़ा खोलिए, बंद करिए, क्रिया भी चल रही है और हल्का आपको विश्राम भी महसूस हो रहा है, करते जाइए जी। चलिए जी, सूर्य नमस्कार करेंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, करीब 3 मिनट का सूर्य नमस्कार करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं, एड़ी मिला लें, पंजे खोल दें, दोनों हाथ शरीर के साथ, पांचों उंगलियां मिली हुई, चेहरे पर मुस्कान। मुस्कान एक पल के लिए भी कम ना हो, ईश्वर की विशेष कृपा हम सब के ऊपर। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा में आ जाएं, ध्यान अज्ञा चक्कर पर। ॐ मित्राय नमः, श्वास भरते हुए ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर, कलाई को सीधा रखकर भुजाओं में कंधों के समान फासला, हल्का गर्दन सहित कंधों का दबाव पीछे बनाएं। इस प्रयास में घुटने ढीले ना पड़े जी। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें, माथा घुटने के निकट करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया बेटा, दोनों की बहुत ही बढ़िया सिमेट्री। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट लेग को पीछे ले चलें, कमर को नीचे की ओर, गर्दन को पीछे की ओर करें, पूरी थैली आसन पर। वेरी गुड, स्वादिष्टान चक्कर पर प्रभाव है, सर्वाइकल ठीक होता है, दूसरी टांग भी पीछे जाएगी, दोनों पांव आपस में
मिल जाएं और यहीं पर एड़ियों को आसन पर लगाने की कोशिश करें। अपने अंगूठे को चेक करें, हाथ का कहीं वो उंगली से अलग नहीं हो गया हो। पांचों उंगलियां मिली होनी चाहिए जिस वक्त, ठुड्डी कंठकूप में होनी चाहिए, शरीर की शेप वी आकार में होनी चाहिए। पैरेलल आ जाएंगे, सहज भाव से आराम से आएंगे पैरेलल और रुकेंगे कुछ पल के लिए। पूरे शरीर का वजन हथेलियों पर, पंजों पर, जैसे कोण आसन करते हैं उसी प्रकार की स्थिति बनती है, लेकिन रिवर्स स्थिति बनती है। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर चेस्ट, अंत में फोरहेड। अष्टांग प्रणाम। माँ धरा की गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तनाव रहित महसूस करें, आनंदित महसूस करें। बहुत ही सुकून देने वाली स्थिति। धरती माँ से हमें सहनशीलता का गुण मिलता है। हर क्रिया को पूरे भाव के साथ करें, मुस्कुराते हुए करें, आंख बंद करके करें। हथेलियों पर दबाव देंगे, आगे से धड़को उठा देंगे, पीछे से पांव की स्थिति बिल्कुल ना बिगड़नी दे जी। इस वक्त कंफर्ट के हिसाब से आपके पांव खुल जाते हैं, घुटने खुल जाते हैं, लेकिन आपने उनको खुलने नहीं देना, क्योंकि लाभ आपको तभी मिलेगा जब हम स्थिति को ठीक रखेंगे। कमर को मोड़ना है जी पीछे आपने, गर्दन को भी मोड़ना है पीछे आपने। देखिए दोनों साधिकाओं की इतनी सुंदर स्थिति, दोनों साधिकाओं का माथा आकाश की ओर। आपका भी प्रयास ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन क्रिया करते हुए पांव बिल्कुल मिले हुए हैं। वेरी गुड बेटा। श्वास भरते हुए पीछे से धड़को उठाएंगे, पुनः एक बार स्थितियां रिपीट करेंगे। ठुड्डी कंठकूप में, थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आएंगी, माताओं के लिए, बहनों के लिए बहुत ही उत्तम। ठुड्डी कंठकूप में है जी, एड़ी आसन पर है, हाथ की उंगलियां मिली हुई हैं। श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे लेकर आएंगे, एक बार में नहीं आए तो दूसरी बार में प्रयास करेंगे। गर्दन को पीछे की ओर रखेंगे जी, पुनः माथा आकाश की ओर करिए। पूरी हथेली लगानी है जी, दोनों हथेलियों पर समान भार। दूसरी टांग भी आगे, पेट का संकुचन करें, घुटने सीधे रखें, हथेलियां आसन के निकट पहुंचें। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करिए, मुस्कुराते हुए करिए। एक बार थोड़ा सा दबाव कंधों का पीछे बनाइए, आर्क बनाने की कोशिश कीजिए पीछे की ओर, और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। ध्यान अज्ञा चक्कर पर, मुस्कुराहट, दोनों हाथ नीचे, वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठेंगे और अब गर्दन की कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे जी। आराम भी हम नहीं ले रहे, लेकिन गर्दन की क्रियाएं करेंगे तो आप, कोई मुश्किल नहीं है जी गर्दन की क्रियाएं। और विश्राम भी महसूस करिए क्रिया करते हुए। पहले, सबसे पहले अपनी ठुड्डी को लेकर आएंगे कंठकूप पे, धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से। बाकी शरीर की मूवमेंट नहीं होगी जी, बिल्कुल केवल और केवल गर्दन की। धीरे धीरे गर्दन को सीधा करते हुए, श्वास भरते हुए गर्दन को लेकर जाएं पीछे की ओर। बहुत धीरे करने वाली क्रिया है। दोनों हाथ आपके घुटनों पर हैं, सामान्य श्वास में हल्का रुकें। फिर से एक बार आएंगे मध्य में, श्वास छोड़ते हुए पुनः एक बार ठुड्डी कंठकूप में। पुनः एक बार श्वास भर
हुए ले चलें पीछे की ओर, बहुत आराम से लेकर जाएं जी, मध्य में लेकर आएं। और अब की बार ठुड्डी को ले चलें अपने राइट साइड में, ठुड्डी को अपने कंधे के ऊपर, राइट कंधे के निकट लेकर जाएं, राइट साइड में। बहुत बढ़िया, मध्य में लेकर आएं, लेफ्ट साइड में लेकर जाएं, मध्य में लाएं, राइट साइड में लेकर जाएं, लेफ्ट साइड में लेकर जाएं। गर्दन की कोई भी क्रिया करें, अच्छे से गांठ बांध लें, कभी भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी। जहां आपको लगे मुश्किल लग रही है वहीं पर वापस आ जाना है जी, वापस आ जाएं। अब अपने दाएं कान को लेकर जाएंगे, दाएं कंधे के ऊपर, कंधा नहीं उठाएंगे जी, केवल गर्दन की जितना हो सके, ऐसा नहीं कि हमने छूना है, बहुत सहजता के साथ करना है जी। मध्य में लाएं, लेफ्ट साइड में लेकर जाएं, मध्य में लेकर जाएं, राइट साइड में, पुनः एक बार लेफ्ट साइड में। अब मध्य में आकर अब एक सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज, एक बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। बहुत धीरे धीरे करेंगे, पहले ठुड्डी कंठकूप में, फिर राइट साइड में अपनी ठुड्डी को घुमाते हुए, बिल्कुल आराम आराम से। गति कम होनी चाहिए लेकिन घेरा जो है वो बड़ा होना चाहिए। लेकिन ध्यान आपने अपनी क्षमता का जरूर रखना है। आज लगातार जो आसन हो रहे हैं तो वही साधक लगातार कर पाएंगे जो रेगुलर जुड़े हुए हैं। नए साधक बीच में विश्राम लेकर करें, दोनों साइड से करनी है जी। एक सर्कल पूरा हो जाए दूसरी सर्कल साइड से करेंगे जी। गति बहुत कम रखनी है जी। जब सर्कल पूरे हो जाएं तो उसके बाद वापस आ जाएंगे, मध्य में आ जाएंगे। अगला आसन उष्टासन, घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ कमर के ऊपर, चारों उंगलियां नाभि की ओर, घुटनों में कंधों के समान फासला बनाएंगे जी। बहुत थोड़ा सा मुश्किल आसनों में से है, सशक्त आसन है, लेकिन अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। अंगूठे से रीढ़ का पोर्शन दबाते हुए नाभि के से ऊपर वाले हिस्से को धीरे धीरे बैंड करना प्रारंभ करें, धीरे धीरे बैंड करना प्रारंभ करें जी। बहुत बढ़िया, देखिए ये पहले प्रारंभ की स्थिति बन गई। अब आपकी कमर धोरी हो गई है तो आप अपने हाथों से, हथेलियों से अपने तलवों को छूने का प्रयास करें जी। एक होता है सहारा देना, सहारा लेना, एक है कि केवल टच करना, स्पर्श करना। बहुत बढ़िया बेटा, दोनों का सिमरन बेटा, बहुत ही सुंदर स्थिति, बिल्कुल चौकोर बना हुआ है, बीच में टनल बनी हुई है, स्क्वेयर टनल। जिज्ञा बेटी बहुत शानदार, दोनों की स्थिति बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया, स्मृति के साथ दोनों साधिकाएं आपके सामने डेमो दे रही हैं। पूर्ण स्थिति में सहजता से रुकना, आपको रुकने में आनंद आए, कमर का कोई दोष नहीं बचेगा जी। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, वापसी में थोड़ा ध्यान रखना होता है जी। कई बार हम जल्दबाजी करते हैं जिसमें कई बार नुकसान भी हो सकता है। पुनः एक बार वज्रासन में पीछे की ओर होकर बैठ जाए। अब हम देखिए, एक हमने सशक्त आसन किया, अब अगला आसन हम जो करेंगे उसमें विश्राम भी मिलेगा आपको, आसन का लाभ भी मिलेगा। शशंक आसन,
भाग टू या भाग वन करते हैं जी आज। कल हमने भाग टू किया था, दोनों घुटनों को मिलाकर रखें, दोनों हाथ सामने की ओर ताने और तानते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाए। खींचिए जी, कलाई को सीधा रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, आराम आराम से झुकें जी। माथा घुटने पर लगा, ये आसन पर लगा दीजिए, भुजाओं को सामने की ओर तान दीजिए, पांचों उंगली मिली हो, कोशिश करें हिप सीढ़ियों पर टिके रहें और सहज भाव से रुकें जी, बिल्कुल सहजता से रुकें, जैसे हम ईश्वर के सामने प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। बहुत ही सहज क्रिया, इसमें आप फील ही मत कीजिए कि हम आसन कर रहे हैं। जैसा कि मैं बताता हूँ, इस पर्टिकुलर आसन में चाहिए शशंक आसन भाग वन हो भाग टू हो, दोनों ही आसनों में आप आराम से 5 से 10 मिनट तक रुक सकते हैं। आप इसको ध्यान की क्रिया समझिए। आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से माथा लगा सकते हैं, नासिका लगा सकते हैं, ठुड्डी लगा सकते हैं, जो आपको कंफर्ट लगे। शारीरिक लाभ इसका ये हो रहा है कि हमारे थाई से हमारा पेड़ू जो है वो दब रहा है, जिससे हमारा लीवर है, पैनक्रियाज है, पेट के जो अंग हैं वो प्रभाव में आ रहे हैं, क्योंकि हम कमर के निचले भाग से झुक रहे हैं तो कमर में लचीलापन आ रहा है। भुजाएं खिंची हुई हैं, इसलिए कंधे की मांसपेशियां, हाथ की मांसपेशियां भी प्रभाव में आ रही हैं। तो ये सब शारीरिक लाभ आपको मिल रहे हैं, लेकिन जब हम आगे झुक करके आंख बंद करके प्रभु के प्रति ध्यान करते हैं तो हमें मानसिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। हमारा तनाव दूर होता है, डिप्रेशन जैसी समस्याएं खत्म होती हैं, गुस्सा हमारा शांत होता है। मुस्कुराते रहिए, रुके रहिए। बहुत बढ़िया बेटा, धीरे धीरे आएंगे वापस, तानते हुए आएंगे भुजाओं को, आराम आराम से आएंगे, सिमिट्री में आएंगे। एक बार खींचेंगे भुजाओं को ऊपर और साइड से, बगल से दोनों भुजाओं को नीचे लेकर आएंगे, लेफ्ट राइट से। यहीं से पेट के बल आ जाइए। अभी हम करेंगे यहाँ से धनुरासन, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। एड़ी पंजे लेटे हुए हैं, दोनों हाथ शरीर के साथ, माथा पृथ्वी पर। अभी हमने काफ़ी आराम किया, अब एक मुश्किल आसन करेंगे। दोनों पांव मिलाकर एड़ियों को मिलाइए, पंजों को लिटाइए, दोनों घुटनों को मोड़िए, दोनों हाथों से अपने टखनों को क्लैंप कीजिए। जिनको माथा लगाने में दिक्कत हो वो ठुड्डी लगा सकते हैं पृथ्वी पर। अब पहले आप गहरा लंबा श्वास भरिए जी, पेट को फुलाइए, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को उठा दीजिए और श्वास भरते हुए आगे से गर्दन को, कंधों को उठा दीजिए। एड़ियों को अपने हिप से दूर ले जाने की कोशिश करें और दोनों घुटनों को निकट लाने की कोशिश करें। सामान्य श्वास में रुकें जी, माथा आकाश की ओर जितना संभव हो सके। बहुत बढ़िया, अब ये मुश्किल आसनों में से है जी, लेकिन आपके लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि आप प्रतिदिन कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा, सशक्त आसन। सशक्त आसन का मतलब सभी अंगों को प्रभावित करने वाली क्रिया। कमर के दोष समाप्त, मोटापा दूर। बहुत बढ़िया बेटा, दोनों की स्थिति देखकर बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। इतनी छोटी एज में इतनी बढ़िया साधना करके दिखा रहे हैं जी। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस
मकर आसन की स्थिति लेंगे, अपने कोहनियों के ऊपर अपनी ठुड्डी को रख लें, हथेलियों के ऊपर दोनों पांव फिर से मिले हुए। अब ये थोड़ा सा अब इजी आसन हो गया जी। देखिए आपको आराम भी मिल रहा है, पांव को मिलाकर रखें जी, एड़ी मिलाकर रखें। अब दोनों पांव को एक साथ मोड़ेंगे और दोनों पांव के अंगूठे मिले रहें, एड़ियां खुल जाएं और कोशिश करें जैसे कोई पीछे से कोई प्रेशर दे रहा हो आपके टखनों पर, वहीं पर रोकिए और रुकिए। यहां पर अंगूठे मिले रहें, एड़ी खुल सकती हैं, लेकिन घुटने मिले रहेंगे और ऐसा महसूस हो जैसे कोई पीछे से प्रेशर दे रहा है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, जिनको दिक्कत है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड आसन है ये। कौन आसन भी बढ़िया है, लेकिन कई बार कौन आसन नहीं कर पाते हमारे बुजुर्ग साथी, लेकिन ये आसन बड़ा सेफ है, कोई भी कर सकता है इसको। इसमें हमारे पेट से सहारा मिला हुआ है। रुकिए रुकिए रुकिए, धीरे धीरे दोनों पांव जाएंगे वापस। एक बार राइट पांव लेकर आइए, एक बार राइट पांव। अब पांव को चलाएंगे राइट से लेफ्ट से और कोशिश करेंगे कि हमारी एड़ी अब आसन अपने शरीर को छुए। मुस्कुराते रहिए जी। देखिए तनाव नहीं, अगर तनाव आ रहा है तो उससे अच्छा है कि आप शवासन में लेट जाएं, आप नींद ले लें, लेकिन क्रिया जो भी करें खुश होकर करें, दोनों पांव से एक साथ। विश्वास जानिए, 1.25 घंटे की साधना आप जो प्रतिदिन कर रहे हैं और आज जो पर्टिकुलर कर रहे हैं, तो इतना शरीर हल्का लगेगा आपको, पूरा दिन जैसे आप लगेंगे हवा में हैं। करते जाइए जी, मुझे विश्वास है आपको थकान नहीं हो रही होगी। यहीं से आ जाएंगे वापस, राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाएंगे जी। पांव को सीधा रख कर लें, दोनों हाथ अपने रखें सर के नीचे, एड़ी पंजे मिलाएं। अब हम करने जा रहे हैं एक सूक्ष्म क्रिया ही कहो इसको, दोनों पांव को धीरे धीरे लेकर जाएं 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर दोनों पांव ले चलिए जी और धीरे धीरे पांव को वापस लेकर आएं। 4 से 5 बार अपनी क्षमता के हिसाब से करें जी, पेट पर बहुत बढ़िया असर आता है, करिए जी। वापिस अपने हिसाब से आइए, अपनी गति से आइए। आप महसूस कर सकते हैं पेट के ऊपर बहुत बढ़िया असर आता है जी। अंतिम आवृत्ति और कीजिए, करिए जी करिए। करने से ही होगा जी, जरूरी नहीं कि हमारी हमेशा परफेक्शन आए, लेकिन प्रयास बहुत जरूरी है। हाथों को आगे ले लें, विश्राम। चलिए जी अब एक आसन करते हैं हम। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया आसन है, बहुत ही शानदार उसका प्रभाव आना है और उस आसन का नाम है विष्णु भगवान का पोस्चर बना लीजिए जी। अपने राइट साइड लेफ्ट साइड में करवट ले लीजिए, राइट साइड में करवट ले लीजिए और अपने हाथ को कान के नीचे रख लीजिए, दोनों पांव सीधे। वेरी गुड। अब अपने पांव को मोड़िए, ऊपर वाले पांव को, और अपने हाथ से अंगूठे को पकड़ लीजिए और धीरे धीरे पांव को सीधा कर दीजिए। अगर जिनसे पांव सीधा ना हो हाथ को छोड़ दीजिए, फिर पांव को सीधा रखें। वेरी गुड। दोनों साधिकाओं ने देखिए कितनी सहजता के साथ कितनी बढ़िया क्रिया करके दिखा रहे हैं जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। घुटना बिल्कुल सीधा है जी, पूरा शरीर कोहनी से लेकर और पंजे तक सीधा है,
इससे हमारे पांव का जोड़ प्रभाव में आता है, प्रजनन अंग हमारे स्वस्थ बनते हैं। आंखें बंद करके रुकिए। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया स्थिति है दोनों की, बड़ा अच्छा लग रहा है दोनों को देख करके। अब हाथ को छोड़ दीजिए ऊपर और तानते हुए पांव और हाथ एक सिमिट्री में नीचे लेकर आएंगे, आराम आराम से नीचे लेकर आएंगे, पटकेंगे नहीं। वेरी गुड, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा वापस आकर अब पलट जाएं और ताकि कैमरा सामने आए, और दूसरी साइड से स्थिति लेंगे, दूसरी साइड से स्थिति लेंगे, फिर से करवट लें। अब की बार फिर से अपने राइट पांव के घुटने को मोड़िए, अब की बार हाथ से पकड़िए और फिर से धीरे धीरे ले चलें ऊपर की ओर, कोशिश करें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, ये देखिए जी। और जरूरी नहीं कि घुटना आपका, आपने हाथ अंगूठे को पकड़ना ही पकड़ना है, कई बार होता है कि हम नहीं पकड़ पाते तो आप हाथ को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि हमारा घुटना सीधा रहे। अगर आप पकड़ नहीं पा रहे तो वैसे ही हाथ और पांव को सीधा रखें 90 डिग्री पर, नीचे वाले पंजे को तान कर रखें जी, इतना बढ़िया खिंचाव आता है आप खुद महसूस कर सकते हैं। आंखें बंद करके रुकिए, ईश्वर का ध्यान करते हुए रुकिए और मन में ऐसा सोचिए, हे ईश्वर, आपकी कृपा से ही तो इतनी मुश्किल क्रियाएं इतनी सहजता से कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, युवा साथी कितनी सुंदर साधना करके दिखा रहे हैं। बच्चों को आप जरूर जोड़िए, जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतना अधिक लाभ मिलना है। धीरे धीरे आएंगे वापस, हाथों को, हाथ को छोड़ दें और तानते हुए धीरे धीरे लेकर आए, पुनः एक बार वापस आ जाएं, कमर के बल। चलिए जी, आज हम लगातार आसन कर रहे हैं, पिछले 40 मिनट आपको हो गई है और 5 मिनट आसन करेंगे। चलिए जी, अब यहाँ से हम करेंगे, कोशिश करेंगे दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पांव पंजे तने हुए, और धीरे धीरे दोनों पांव को ले चलें ऊपर 90 डिग्री पर, और हाथों को भी ले चलें ऊपर 90 डिग्री पर। पादोत्तानासन की पूर्ण स्थिति, रुक जाए जी यहाँ पर। वेरी गुड, पंजे को तानिए। अब ये दो तीन आसनों का एक और आपका आखिरी चल रहा है, उसके बाद अच्छे से आपको सब आसन कराएंगे। रुकिए जी, करीब एक मिनट रुकने का प्रयास करेंगे, कर सकते हैं जी आप, बस ईश्वर का ध्यान कीजिए कि मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जब लगातार हमने इतने आसन कर लिए, थोड़ी देर और, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब एक आराम देने वाला आसन करते हैं, अपने दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला दें, लेफ्ट राइट में, पांव ऊपर ही रहेंगे, और अब अपने दोनों पांव को ले चलें राइट साइड में, गर्दन को ले चलें लेफ्ट साइड में, एक साथ कोशिश करेंगे जी, और सहज भाव से रुक जाएं जी, भुजाओं को खींचकर रुक जाएं, पांव के ऊपर पांव को रखकर रुक जाएं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, ऐसा इतनी सुंदर स्थिति दोनों की, बिना प्रैक्टिस किए इतनी बढ़िया सिमेट्री चल रही है दोनों की, बहुत बढ़िया लग रहा है इस स्थिति में तो दोनों को देख करके। बहुत बढ़िया जी, बड़ा आनंद आ रहा है देखकर। जरूर ये वाला पोस्चर तो आप जरूर देखना जी, जो इस टाइम जिज्ञा का और सिमरन का बना हुआ है। धीरे धीरे आएंगे वापस, पांव को एक बार 90 डिग्री पर लेकर चलिए, कंट्रोल लीजिए पहले पांव का, भुजाओं को खींचिए, भरिए श्वास, और श्वास छोड़ते हुए बड़ी सहजता से धीरे धीरे आएंगे नीचे की ओर, गर्दन राइट साइड में।
वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। इतनी छोटी उम्र में हमारे युवा साथी जुड़ जाते हैं, ये जुड़ पा रहे हैं। मैं बार बार आपको बताता हूँ, क्योंकि पहले पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, इनके पेरेंट्स हमारे साथ जो पहले हमारी फिजिकल क्लास चल रही थी, कोई 2 साल से जुड़े हुए हैं, कोई 5 साल से जुड़े हुए हैं। और जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो पेरेंट्स हमारी लाइव क्लास से घर पर जुड़े हुए थे। जब बच्चों ने देखा, समय भी था, तो कई सालों से वो देखते आ रहे थे, तो वो भी जुड़ गए। और देखिए अब कितनी बढ़िया साधना प्रतिदिन आपके सामने लेकर आ रहे हैं, दिखा रहे हैं। जितने भी साधक साधिकाएं आपके सामने प्रदर्शन देते हैं, सभी की फैमिलीज ही नहीं, आस पड़ोस में भी रिश्तेदार भी जुड़ गए हैं। आप भी प्रयास कीजिए जी, धीरे धीरे आएंगे, मध्य में मुस्कुराते हुए आएंगे। पांव को अभी ऊपर ही रखें और अब थोड़ा सा मुश्किल आसन करेंगे जी। बस ये आखिरी दौर इसका चल रहा है जी आसन का। अपने दोनों हाथों से अपने हिप्स के नीचे सहारा ले लीजिए और धीरे से हल आसन की स्थिति में आने की कोशिश करेंगे जी। हल आसन होता है, अपने दोनों पांव के पंजे पीछे ले जाने की कोशिश करें और रुक जाएं जी वहां पर, जितना संभव हो सके रुकें जी। कोई जरूरी नहीं कि हमने पूर्ण स्थिति करनी है। दोनों हाथ आगे की ओर ले लें जी, करिए जी, करिए, कोशिश कीजिए जी। बहुत बढ़िया बेटा, सामान्य श्वास में रुकिए। ये देखिए जी कितनी बढ़िया से हलासन की स्थिति आपके सामने करके दिखाई जा रही है। प्रयास बहुत जरूरी है, वेरी गुड। और अब इसी स्थिति में धीरे धीरे आएंगे वापस, हाथों का सहारा जरूर ले लें जी, और यहीं से आ जाएंगे एक बार सर्वांग आसन में। सर्वांग आसन होता है कि पूरे शरीर का वजन आपके कंधों पर आ जाए, कोहनियों पर आ जाए, कमर भी उठ जाए आपकी। बस जी आखिरी आसन है, करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया बेटा, दोनों प्रयास कर रहे हैं। सामान्य श्वास में रुकें, शीर्षासन के सारे लाभ आपको इसमें मिल जाते हैं। शीर्षासन थोड़ा मुश्किल आसन होता है। बहुत बढ़िया बेटा, जिज्ञा सिमरन बहुत ही बढ़िया करके दिखा रहे हैं जी आप। रुकिए 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 रुकिए, एक्सीलेंट। अब बिल्कुल सहजता से पहले थोड़ा पांव को पीछे की ओर लेकर जाए, जैसे हलासन में हल्का सा, और आराम आराम से फिर लेकर आएंगे वापस। आराम आराम से लेकर आए, कमर को सहारा देते हुए लेकर आए, आराम आराम से वापस लेकर आइए। पटकेंगे नहीं जी पांव को, बिल्कुल फूल की तरह रखेंगे। अब पांव में सुविधाजनक दूरी। आज की एफिशिएंसी क्लास, जो लगातार आसन की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। सब आसन जो लोग कंटिन्यूअस हमारे साथ, हमारी साधिकाओं के साथ सुंदर अभ्यास कर पाए, उनको बहुत बहुत। जो लगातार नहीं कर पाए, एफर्ट्स किया, उनको भी बहुत बहुत बधाई। आप भी जुड़े रहिए, मुझे पूरा विश्वास है अगले हफ्ते या 2 वीक के बाद आप भी कर पाएंगे। हमें पता चलता है हमारा स्टेमिना, और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जी। आपने देखा होगा आसन इस प्रकार से करवाए गए कि बीच बीच में आराम भी मिला आपको। और सूर्य नमस्कार तो हम प्रतिदिन करते ही हैं, उसमें हम 12 से 15 मिनट लगातार करते हैं। आज हमने करीब 45 मिनट के करीब हमने लगातार किया जी। अब बिल्कुल शिथिल छोड़ दें अपने शरीर को, और मन की आँखों से बंद आँखों में आइए शरीर का मानसिक अवलोकन करते हैं। सबसे पहले ध्यान को लेकर जाएं अपने राइट लेग पर, दाईं टांग का अंगूठा देखिए, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, सबसे छोटी उंगली देखिए, अपने तलवे को देखिए, एड़ी को देखिए,
मुस्कान चेहरे पर लगातार है। टखना देखिए, राइट लेग की पिंडली को देखिए, राइट लेग का नी या घुटना, उस पर ध्यान लगाइए और महसूस कीजिए बिल्कुल स्वस्थ है। राइट लेग की थाई, राइट लेग का जोड़, पांव का जोड़, दायां पांव बिल्कुल शिथिल हो गया है। ध्यान को लेकर जाइए लेफ्ट पांव की ओर। हिलेंगे नहीं जी, सोएंगे नहीं जी, हम शवासन कर रहे हैं, थोड़ा समय लगाकर शवासन कर रहे हैं, छोटी योग निद्रा कह सकते हैं आप। ध्यान लेफ्ट पांव पर, अंगूठे को देखिए, एक एक उंगली को देखिए, तलवे को देखिए, एड़ी को निहारिए, टखना, पिंडली, घुटना, थाई, बाएं पांव का जोड़, दोनों पांव बिल्कुल शिथिल, आनंद की अनुभूति, शांति ही शांति। ध्यान को लेकर जाएं राइट हैंड पर, अंगूठे को देखिए, एक एक फिंगर को देखिए, फिंगर्स के जोड़ों को देखिए, हथेली को देखिए, हथेली के पृष्ठ भाग, पीछे के भाग को देखिए। मेरी आवाज़ के साथ चलना है जी आपने। सुंदर कलाई को निहारिए, सोएंगे नहीं। कोहनी को देखिए, राइट साइड की कोहनी, राइट साइड हैंड का कंधा देखिए, राइट हैंड भी शिथिल हो गया। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड को देखिए, पहले अंगूठा, अंगूठे का जोड़, एक एक फिंगर, फिंगर के जोड़ देखने हैं आपने, पहली उंगली, फिर दूसरी, फिर अनामिका, सबसे छोटी उंगली। देखते जाएं हथेली को देखिए, हथेली के पृष्ठ भाग को देखिए, कलाई को देखिए, कोहनी को देखिए, बाएं हाथ का जोड़ देखिए, बायां हाथ भी बिल्कुल शिथिल हो गया है। दोनों पांव शिथिल, दोनों हाथ शिथिल। नाभि के ऊपर ध्यान को लेकर जाइए, नाभि मंडल बिल्कुल ढीला कर दीजिए, लीवर की खुशी को देखिए, पैनक्रियाज की खुशी को देखिए, बिल्कुल स्वस्थ। इतने बढ़िया आसन आपने किए, लगातार आसन किए, छोटी आंत, बड़ी आंत, फेफड़े को देखिए, अपनी पूरी चेस्ट को निहारिए, हृदय पर ध्यान को लेकर जाइए और ऐसा महसूस करें, मेरा हृदय बिल्कुल सामान्य गति से धड़क रहा है, बिल्कुल स्वस्थ है। लगातार मुस्कान चेहरे पर जी, मुस्कान बिल्कुल कम ना होने दें। गर्दन की ओर ध्यान लेकर जाएं, सुंदर ठुड्डी को निहारिए, मुस्कुराते हुए होंठ, नाशाग्र, कानों से पक्षियों की मधुर आवाज सुनने का प्रयास करें। बंद आंखों में, आंखों के पीछे प्रभु की बनाई हुई विशेष साम्राज्य को देखने का प्रयास करें। इतना आनंद, इतनी खुशी। फोरहेड को देखिए, जहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहाँ पर डीप देखिए और प्रकाश की अनुभूति कीजिए, ऐसा प्रकाश जो सूर्य से भी ज़्यादा चमकता हुआ, और इस दिव्य प्रकाश को अपने पूरे शरीर में बहते हुए महसूस करें।
सोएंगे नहीं जी, अब अपने मस्तिष्क पर ध्यान को लेकर जाइए और उसे भी बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। ये हम ध्यान भी कर रहे हैं, शवासन भी कर रहे हैं, योग निद्रा भी कर रहे हैं। पूरा फोकस मेरी आवाज़ पर, पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल है, आनंदित है। और अब जैसे आप खड़े होकर किसी सोए हुए आदमी को देखते हैं, तो ऐसा महसूस कीजिए मेरा शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। और अपने पूरे शरीर का नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक सरसरी निगाह से मानसिक अवलोकन करें। देखें जी, ढीला शरीर, अब कुछ पल के लिए ईश्वर से जुड़ जाएं, ईश्वर का ध्यान करें। अब जो भी आप संकल्प करेंगे इस वक्त सुबह की समृद्ध वेला में, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, पूरा होगा। संकल्प करें कुछ मानव जाति के लिए, इस धरा के लिए, प्रकृति के लिए कुछ हम योगदान देंगे। योग से सदैव जुड़े रहेंगे, हमें देखकर और भी लोग जुड़ें ऐसा प्रयास करेंगे। निष्काम कर्म, निष्काम कर्मों को जरूर हम शामिल करेंगे। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ प्रभु का आशीर्वाद महसूस करें, मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था में आएं, एड़ी पंजे मिलाएं, अपने राइट साइड में दाहिनी ओर करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन में, वज्रासन में, सुखासन में, जैसे आपको ठीक लगे। आइए, दोनों साधिकाओं के साथ एक मस्ती भरी हंसी, इतनी बढ़िया इन्होंने साधना करके दिखाई। पद्मासन लगा लें अथवा सुखासन में, जैसे आपको कंफर्ट लगे। 7-8 मिनट और हैं हमारे पास, आइए मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। हंसते जाएं। अंतिम आवृत्ति आज की। शांत, अब आंखें बंद कर लें, केवल 5 मिनट और आपका साथ चाहिए। ठीक 7 बजे क्लास को विराम दिया जाएगा। एक बार फिर से आपको छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, कोशिश करें बाहर कम से कम जाएं। खासकर अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो जिस हिसाब से कोरोना चल रहा है तो अवॉइड करें, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में हम जोश में आकर चले जाते हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि अननेसेसरी हम वायरस के लपेटे में आ जाएं। तो कोशिश करें जहां तक हो सके अवॉइड करें, अगर जाएं तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, मास्क वगैरह लगा के जाएं। आइए 5 मिनट प्रभु का ध्यान करें। बहुत सुंदर हमने साधना की मुस्कुराते हुए। आइए ओम का उच्चारण करेंगे। रीढ़ गर्दन सीधी रहे, दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में रख सकते हैं, ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। भरें श्वास।
शांत शांत भाव से बैठ, हर श्वास पर श्वास में ओम की ध्वनि को महसूस करें। ऐसा प्रतीत हो चारों दिशाओं में मेरे प्रभु का प्यारा नाम इसकी गूंज हो रही है, गुंजायमान हो रहा है। मुस्कुराते रहें, सुंदर प्रभाव को, सुंदर स्पंदन को महसूस करें। पूरा शरीर हमारा रोमांचित है प्रभु के नाम से। अल्फा तरंगे उत्पन्न होती हैं, इन अल्फा तरंगों से हमारा तनाव दूर होता है, डिप्रेशन बिल्कुल समाप्त हो जाता है। हर वक्त हम खुश रहते हैं, प्रसन्नचित रहते हैं। योग को लोग सोचते हैं कि शारीरिक लाभ, शारीरिक लाभ तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन योग से हमें जो मानसिक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं उससे हमारा जीवन बदलता है। तो योग को आप केवल शारीरिक लाभ की ओर ना की तरह ना समझें, वो तो मिलना ही मिलना है आपको, शारीरिक लाभ तो होने ही हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभु का ध्यान करें और प्रार्थना करें प्रभु से, हे प्रभु इसी प्रकार आपका आशीर्वाद स्नेह प्यार बरसता रहे, प्रतिदिन हम जुड़ें, आपकी गोद मिले, आपका साथ मिले। प्रतिदिन जुड़ेंगे, समय पर जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे और पूरे समय के लिए जुड़ेंगे प्रभु, ऐसा संकल्प करते हुए, प्रभु को हृदय में धारण करते हुए आइए आज की कक्षा को विराम दें। एक लंबी ओम ध्वनि के लिए गहरा लंबा श्वास लीजिए। मुस्कुराते हुए दोनों हाथों का आपस में घर्षण करें, जो उत्पन्न हो योगिक ऊर्जा उसे अपने शरीर पर मुखमंडल पर धारण करें और कोमलता के साथ धीरे से नेत्र को खोलें। पुनः एक बार ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। आज की दोनों युवा साधिकाओं को सभी आशीर्वाद दें। सिमरन हमारे साथ जुड़ी हुई है और जिज्ञा हमारे साथ जुड़ी हुई है, दोनों ने कितनी सुंदर साधना करके दिखाई। जरूर इस वीडियो को देखें। जब मरकट आसन कर रहे थे बहुत बढ़िया स्थिति थी दोनों की, जब उष्ट आसन कर रहे थे बहुत ही बढ़िया स्थिति थी दोनों की, हर आसन बहुत ही तन्मयता से बहुत बढ़िया परफेक्शन के साथ करके दिखाया आपको। अपने बच्चों को जरूर दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। दोनों बच्चे हमारे इसी प्रकार जुड़े रहे आगे से आगे और खूब योग के अलावा भी हर क्षेत्र में खूब तरक्की करें। चलिए जी, आज की कक्षा को हम विराम देते हैं। एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल फिर जुड़ते हैं ठीक 6:45 बजे, कल भी हमारी क्लास रहेगी, जरूर जुड़ेंगे। बहुत बहुत